नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, इस समय मेरे साथ शाहिद सैयद जी हैं। इन्होंने एक संघर्ष किया था, उस संघर्ष की जबानी इनसे सुनेंगे और उस संघर्ष का इनको फ़ायदा मिला इनसे बात करेंगे। उसके पहले थोड़ी सी जानकारी मैं ज़रूर देता हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि वसई विरार महानगर पालिका या अन्य क्षेत्रों में जो दैनिक अपनी आजीविका कमाने के लिए स्टॉल्स छोटे छोटे होते हैं, उन स्टॉल के ऊपर महानगर पालिका सोचे समझे बिना कार्रवाई करती है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही 2016 में हुआ था। इनका स्टॉल था, वो लीगल था, उस स्टॉल के लिए इनके पास लाइसेंस था और चूँकि ये खुद 45% डिसेबल है, इसके लिए उनको बाकायदा लाइसेंस होल्डर होने के बावजूद बिना नोटिस के उस स्टॉल को तोड़ दिया गया था। अब होता क्या है कि अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि इंसान अंदर से टूट जाता है और जिसके साथ प्रताड़ना हुई है वो प्रताड़ित व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाता नहीं है। लेकिन यहाँ इन्होंने संघर्ष किया, उस मामले को अपंग आयुक्त के पास, कोर्ट के पास वहाँ लेके गए और उसका फ़ायदा ये हुआ कि आखिरकार भले ही 6 साल बाद इनको अपना कंपनसेशन मिला, लेकिन कंपनसेशन मिला और आज वापस ये खड़े हैं। तो जानते हैं, नमस्कार, क्या हुआ था बताइए, आपका नाम परिचय? मेरा नाम शाहिद सैयद है। ये स्टॉल बनाने में मेरे को 5 साल लगे। 5 साल लगने के बाद में मैंने स्टॉल बनाया, अपना सब कुछ डिटेल दिया, नाम पर लाइसेंस नंबर सब कुछ डिटेल दिया गया है जो दिख रहा है ऊपर। ये स्टॉल आपका है? हाँ, ये स्टॉल मेरा है। इसके लगने के बाद में भी मार्शल के ठेकेदार के पांडे ने इस स्टॉल को तोड़ दिया था 14 दिसंबर 2016। फिर क्या हुआ? फिर मैंने इस स्टॉल को बनाया, सब कुछ मेरे बीवी बच्चे के गहने जो है गिरवी रख के इनका ये सब वापस मैंने खड़ा किया और फिर मैंने इनका कंप्लेंट किया। कंप्लेंट बहुत जगह पे किया, कई जगह पे भागना पड़ा। हिंदुस्तान में न्याय मिलना बोले तो बहुत महंगी चीज़ है, सोने के हाथ और लोहे का पैर होना चाहिए। लेकिन बहुत भाग दौड़ करने के बाद 6 साल के बाद में मुझे 75,000 का मैंने मांग किया था तो उन्होंने 45,000 रुपया दिया। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, इसके लिए मैंने 45,000 रुपया को एग्री होके 45,000 रुपया लिया है। आप इस लड़ाई में कहाँ कहाँ गए, किन किन के किन किन का दरवाजा आपने खटखटाया? पहली बात तो ये है कि मैंने वकील का नोटिस भिजवाया था वसई विरार महानगर पालिका के वसई, तो तब जब शेख साहब थे, अजीत शेख उपायुक्त शेख साहब थे, तब वो नोटिस के ऊपर मैंने आरटीआई डाला था। आरटीआई के बाद में मैंने फर्स्ट अपील डाला था। फर्स्ट अपील के अंदर शेख साहब ने ये बोला था कि इनका कंपेंसेशन ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्टर के डिपॉजिट में से दे डालो, लेकिन नहीं मिला। फिर बाद में सेकंड अपील में जाने के बाद में द्वितीय अपील अधिकारी ने बताया कि क्या हमने इंफॉर्मेशन दे दिया है, तो अभी तुमको अगर ये नहीं मंजूर है तो तुमको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और फिर मैं अपंग आयुक्तालय के पास गया, फिर वहाँ पे मैं 1.5-2 साल में पत्र व्यवहार किया, फॉलो अप लिया, आखिर को वहाँ पे हियरिंग हो गई और वहाँ से उनका ऊपर से जब ऑर्डर आया तब मुझे ये 45,000 रुपये मिले। आपको ये 45,000 कब मिला और कितना? 12 तारीख को मिला। मई की 12 तारीख को मिला। क्या कुछ अपनी तरफ से लोगों को संदेश देना चाहिए? संदेश देना चाहते हैं कि लोग फाइट नहीं करते, जाके सिर्फ एक बार दो बार कुछ बोलते देते और छोड़ देते सब्जेक्ट को, ऐसा मत करो, फाइट करो, लास्ट तक फाइट करो और इसका कंपेंसेशन पूरा ये करो, पूरा फैसला लो। ये फैसला लेते नहीं है, ये गलती है, ये गलत नहीं। ये शाहिद सैयद जी हमको बता रहे थे किस तरह से इन्होंने 2016 से 2022 तक 6 सालों में
लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद में हालांकि इनको सिर्फ 45,000 रुपया ही कंपनसेशन मिला। उस 6 साल के पीरियड में अपन समझ सकते हैं कि कितना महंगाई बढ़ा है। इन्होंने 75,000 की डिमांड की थी, उसके सामने उनके इसके एवज में उनको 45,000 ही दिया गया। तो कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी उतना भी इनकी इतनी कोशिशों के बावजूद बाद मिला। अब अक्सर जगह यही होता है, यहाँ ये भी बता दूं कि वसई विरार में जो लीगल लोग हैं उनको इस तरह से हैरेस किया जाता है, उनको बिना किसी नोटिस के तोड़ दिया जाता है। और हम कई बार इलीगल हॉकर्स जो है उनकी हमने कंप्लेन की। इलीगल हॉकर्स को एक पूरा प्रोपोगेंडा के तहत साप्ताहिक बाज़ारों में उसमें बिठाया जाता है और वसूली होती है। उनके ऊपर वसई विरार महानगर पालिका कार्रवाई नहीं करती है। तो ये दोहरी महानगर पालिका की ये दोहरी नीति है, ये कहीं ना कहीं लोगों के भले के लिए नहीं है बल्कि लोगों को हैरेस करने के लिए है। एक बार फिर से ख़त्म करने के पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसा अभी इन्होंने बताया, जब उपायुक्त तत्कालीन उपायुक्त शेख साहब ने ही ये ऑर्डर कर दिया था, उनका ये कहना था, उनका ये मत था कि पैसा डिपॉजिट में से, कॉन्ट्रैक्टर के डिपॉजिट में से दे दिया जाए। अगर उनको उस समय ये पैसा मिला होता तो आज उस बात को चार पाँच साल हो गए होते। लेकिन न्याय काफ़ी देरी से मिलता है, इसका ये नमूना है। इनको कहाँ कहाँ भागना पड़ा इन्होंने अभी अपनी ज़बानी बताया। लेकिन फिर भी सभी दर्शकों से एक ही निवेदन है कि अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ आगे तक जाएगी। अभी के लिए इतना ही। वसई नाला सुपारा से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।